सो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। तो आपस से भाई लोग का वेलकम करता हूँ एक और नए वीडियो के अंदर। तो आज का मैच होने वाला है क्राउन के ओपोनेंट के साथ ग्रीन पिच के ऊपर। इस मुकाबले को हम जो है प्ले करने वाले हैं। सो यहाँ पे टॉस के लिए कॉल कर दिया है ओपोनेंट टीम ने, और देखते हैं यार टॉस से कौन सी टीम विन करते हैं। तो यहाँ पे टॉस ओपोनेंट टीम ने विन कर लिया है और पहले बैटिंग करने का फैसला ले लिया, और ओपोनेंट टीम का स्कोर काफ़ी बढ़िया हमें देखने को मिल जाता है। तो हमारे पास भी काफ़ी बढ़िया स्कोर मौजूद है इस मुकाबले के अंदर। चहल चहल जो है यहाँ बॉलिंग करने को आने वाले हैं, साथ में क्विंटन डिकॉक और क्रिस गेल बल्लेबाजी पे हैं। पहली गेंद क्रिस गेल के लिए, और पहली गेंद पे शानदार शॉट के साथ चार निकाल देंगे। ओवर की ये दूसरी बॉल है, यहाँ पे गलत शॉट खेला और इस बार डॉट मिल जाएगा। ओवर के थर्ड बॉल, कदमों का इस्तेमाल और बहुत बढ़िया गेसिंग करा है, पूरे छह रन यहाँ पे देखने को मिलेगा ओपोनेंट टीम के लिए। एक और बारी बेहतर शॉट खेली है, कम से कम यहाँ पे दो रन ओपोनेंट को मिल जाएंगे। बढ़िया बल्लेबाजी ओपोनेंट टीम की ओर से इस मुकाबले के अंदर अभी तक देखने को मिला है। ओवर की ये आखिरी बॉल है, क्रिस गेल फेस करेंगे और एक और बार कदमों का इस्तेमाल और एक और बार कमाल का शॉट है। एक और छह पहले ओवर के अंदर 18 आ जाएंगे। दूसरे ओवर के अंदर आएंगे नबी गेंदबाजी करने के लिए, और क्विंटन डिकॉक बल्लेबाजी पे, पहली गेंद रहेगी डॉट। आगाज बहुत बढ़िया करिए इस बार, बहुत बढ़िया शॉट क्विंटन डिकॉक ने यार इस गेंद को पढ़ लिया और पूरे छह निकाल देंगे। ओवर की थर्ड बॉल है और इस बार टाइमिंग में गड़बड़ी है तो मिलेगा सिंगल ही। पहली 9 गेंद, अभी तक 25 रन ओपोनेंट टीम ने बटोर लिए हैं। ओवर की चौथी बॉल, कदमों का इस्तेमाल करने का फिर से ट्राई, लेकिन ये लेग स्पिनर नहीं है कि गेंद पड़ने के बाद नीचे रहेगी, लेकिन यहाँ विकेट मिलेगा अपने को। नए बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल, पहले गेंद ग्लास शॉट सिलेक्शन मिलेगा डॉट। गेंद यहाँ पे आखिरी गेंद गैप में शॉट चली गई है तो चार मिल जाएंगे। दो ओवर के बाद 29 स्कोर हो चुके ओपोनेंट का। जोफर आर्चर थर्ड ओवर के अंदर गेंदबाजी करने को आए हैं, और ये लाइन और लेंथ लगता है ओपोनेंट टीम ने शुरुआत में ही पर लिया है, मिलेगा 6। ये खराब गेंद था लेकिन बढ़िया शॉट खेल नहीं पाए, आएगा डॉट। एक और बार खराब शॉट सिलेक्शन, एक और डॉट गेंद, एक और बार बल्ले से बॉल लगी है लेकिन इस बार 6 नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 रन ओपोनेंट टीम के लिए। काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी चल रही है भाई ओपोनेंट की ओर से भी, देखना ये पड़ेगा विकेट कौन सा गेंदबाज निकालेगा। विकेट तो छोड़िए, फिलहाल छक्का पकड़िए। एक और बार बहुत बढ़िया शॉट क्विंटन डिकॉक के बल्ले से। 3 ओवर के अंदर ऑलरेडी स्कोर 43 हो चुका है, और ओपनर जो है फिलहाल कहाँ गए हैं भाई, कहीं ना कहीं नाश्ता पानी करने तो नहीं चले गए। चले फिलहाल ओवर की आखिरी बॉल है जोफ्रा आर्चर की ओर से, 14 आ चुके हैं इस ओवर के अंदर। और ये बॉल यार गलती से गेंद पर गई, क्योंकि उसने जैसे स्टॉप करा था यहाँ पे, मैंने गेंद वापस ओपन करा, अब यहाँ पे वाइड गेंद, भाई ख़राब शॉट सिलेक्शन किया इसने, नहीं तो इस गेंद पर आराम से 6 लग जाते। आखिरी बॉल बाउंसर गेंद रहेगा डॉट। क्रिस मॉरिस आएंगे बॉलिंग करने के लिए। चौथे ओवर की पहली गेंद, कटर्स का इस्तेमाल, पहले गेंद डॉट गेंद, फिर से वही बढ़िया बॉल, एक और डॉट गेंद, कटर्स और रिवर्स स्विंग के अंदर बल्लेबाज को फंसाने का ट्राई कर रहे हैं, और वही कन्फ्यूज़न यहां पे इनके लिए, बॉल बल्ले से संपर्क नहीं करवा पा रहे कहीं ना कहीं। ओपोनेंट टीम यार अब यहां कहीं ना कहीं प्रेशर में है कि किस तरह से शॉट को प्ले करे। ओवर की ये पांचवी बॉल है क्रिस मॉरिस के लिए, और एक और बार भाई बढ़िया बॉल, एक और डॉट गेंद, आखिरी गेंद बाउंसर गेंद कराए और ये भी रह जाएगा डॉट। यहाँ पे रसल आएंगे बॉलिंग करने के लिए। सो पहले गेंद रिवर्स बॉल और रहेगी डॉट। शुरुआत बहुत बढ़िया, पिछले ओवर के अंदर आई मात्र 1 रन, यहाँ भी बल्ले से कुछ खास टाइमिंग कर नहीं पाए और मिलेगा सिंगल। पिछली 8 गेंदे हमारी टीम के नज़रिए से काफ़ी बेहतर हुआ है वैसे। ओवर की थर्ड बॉल, एक और बार बेहतर बॉल किया, इसको वाइड बॉल दे सकते नहीं, पहला बाउंसर गेंद अंपायर करार देंगे इस बॉल को। ओवर के चौथी बॉल, यहाँ पे ओपोनेंट टीम का किस्मत खराब, परफेक्ट टाइमिंग के ऊपर यहाँ पे विकेट मिल जाएगा हमें। ग्लेन मैक्सवेल यहाँ पे 10 गेंद में 4 करके आउट होते हुए। ओवर की पांचवी गेंद, एक और बार हवा में गई है, क्विंटन डिकॉक ने इससे पहले भी इस गेंद पे 6 लगाया है लेकिन इस बार फील्डर को चुन के मारेंगे और यहाँ विकेट मिलेगा। आखिरी गेंद यहाँ पे, एक और बारी बहुत शानदार, बहुत तेज गति की गेंद, स्लोअर गेंद समझ के खेले, रहेगा डॉट। 46 का टारगेट है हमारे सामने। रसल को बल्लेबाजी करने का मौका दिया हूँ, और पहले गेंद पे बढ़िया पुल शॉट, 6 के साथ शुरुआत करेंगे और रुकने को तैयार नहीं। पहली 2 गेंदों के अंदर ही 2 6 निकाल देंगे बल्लेबाज। बढ़िया बल्लेबाजी आंद्रे की ओर से,
कमाल की बल्लेबाजी और बाउंसर गेंद के ऊपर भी बढ़िया शॉट सिलेक्शन। ओवर के थर्ड बॉल रोकने का कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के पास। एक और बार 6 रन, पहली 3 गेंदे 3-6 खा चुके हैं अभी तक रबादा। चौथी गेंद रिवर्स स्विंग, यहाँ भी बल्ले से संपर्क बहुत बढ़िया और गेंद को एक और बार भेजा 6 रनों के लिए। इस बार कदमों का इस्तेमाल, एडवांस शॉट, एक और 6। लगातार यहाँ पे छक्कों की बरसात कर रहे हैं। आखिरी गेंद है और फिर से एडवांस शॉट और फिर से गेंद को बाहर ही भेज है। तो क्राउन के अकॉर्डिंग तो भाई उम्मीद नहीं कर रहे थे कि ऐसी बॉलिंग देखने को मिलेगा पहले ओवर के अंदर। जोफ्रे आर्चर पहली गेंद, यहाँ पे परफेक्ट टाइमिंग के ऊपर हमारे बल्लेबाज का विकेट जाएगा। मनरो के साथ नाइन साफ यहाँ पे साफ साफ होता हुआ। लाल रसल और ट्राई के ऊपर है, बढ़िया बॉल करी है, आएगी डॉट गेंदे, लेकिन यहाँ पे अंपायर नो बॉल दे देंगे, वार्निंग बगैर दिए यहाँ पे नो बॉल, और इसका खामियाजा इनको भुगतना भी पड़ेगा। मिल जाएंगे 6 रन यहाँ पे अंदर रसल को। कमाल का शॉट एक और बार। ओवर की 5वीं गेंद जीतने के लिए चाहिए था एक और बड़ा शॉट, और इसी के साथ ही इस मुकाबले को रसल ने जितवा दिया बहुत आराम से। बाकी यार आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, एंड अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई रेड वाला आइकन पे क्लिक मार के आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन पे करके रख लो, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड होगा तो आप सभी को नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं गाइस आप सभी के साथ एक और नई वीडियो में, तब तक।